दोस्तों अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में वीवो अपने वी सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो वीवो की V27 सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं। अभी इन स्मार्टफोन के 100% कंफर्म फीचर्स, प्राइस, कब लॉन्च होने वाले हैं, क्या डिटेल होने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ चुकी है जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बात करूँ वीवो V27 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन ऑनलाइन स्पॉट होना स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिए गए हैं कि वीवो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने वीवो V27 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहा है और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर वीवो V27 सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इस सीरीज में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अभी तक दो ही स्मार्टफोन कंफर्म किए जा रहे हैं। पहला स्मार्टफोन है वीवो V27 और दूसरा स्मार्टफोन है वीवो V27 प्रो। अगर बात की जाए फीचर्स वगैरह के बारे में तो ये स्मार्टफोन काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुए हैं, जिससे इन स्मार्टफोन के जो फीचर्स हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं। जो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन होने वाला है इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, कि बेसिकली मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 होने वाला है और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, इसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको डायमेंसिटी 1080 से भी अच्छी देखने को मिलती है। साथ में वीवो का एक और नया स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में ऑनलाइन सर्टिफाई हुआ है, जिसमें जो प्रोसेसर है वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 शो किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पॉसिबल है कि ये वीवो का V27 स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 आए। कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा जा रहा है, रूमर्स हैं। साथ में इन स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, फास्ट चार्जिंग, अच्छी यूनिक सी डिजाइनिंग, ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं। जो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन है वो वीवो की एस सीरीज के स्मार्टफोन वीवो X16 जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में, उसी के लगभग सिमिलर होने वाला है। ज्यादातर फीचर्स आपको उसी स्मार्टफोन के देखने को मिलने वाले हैं। स्मार्टफोन्स के इंडिया लॉन्च के बारे में बात करूं तो ये चीजें 100% कंफर्म कर दी गई हैं कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में मार्च के मिड में लॉन्च होने वाले हैं, अगले महीने मिड में लॉन्च होने वाले हैं, ये चीज कंफर्म हो गई है। और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिवली लॉन्च होंगे। दूसरी चीज मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं प्राइस के बारे में, काफी लोग कह रहे थे कि प्राइस क्या होने वाली है। तो प्राइस अगर मैं स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है अभी जो लीक्स आ रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो वीवो V27 स्मार्टफोन होने वाला है ये लगभग 35,000 रुपये के करीब इसकी प्राइस होने वाली है, और जो वीवो V27 प्रो स्मार्टफोन होगा इसकी जो प्राइस है वो लगभग 40,000 रुपये के करीब जाने वाली है। तो अगर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 के साथ में 35 या 40,000 रुपये की प्राइस पे लाते हैं तो आई डोंट थिंक इसे स्मार्टफोन के लेने का कोई मतलब है, क्योंकि वही सेम प्रोसेसर हमें 12-13,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर और भी ब्रांड्स के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इन स्मार्टफोन को परचेस करना प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे, क्या डिटेल है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइस को लेकर के, फीचर्स को लेकर, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।